इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर एक बीमारी है, ये मानसिक बीमारी है। इसमें वो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसको एक तो कुछ तो भी बहुत बड़ी बीमारी है या बीमारी हो जाएंगी, तो उसको ये लगता है कि कुछ तो भी है गड़बड़, इसलिए बहुत वो फिक्र लगती है, टेंशन रहता है, एंग्जाइटी है, कुछ तो भी बीमारी है। इलनेस एंग्जाइटी, इलनेस के बारे में एंग्जाइटी है। और ये बीमारी सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर जो है उससे अलग है, क्योंकि सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर में उसको बदन की तकलीफ रहती है, कुछ ना कुछ बदन की। या बदन में कुछ तकलीफ नहीं रहती, इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर में बदन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, बोलता मगर कुछ तो भी बीमारी है और उसके बारे में बहुत चिंता है। तो बीमारी है या बीमारी भविष्य में हो जाएंगी ऐसा लगता है, और कुछ तो भी अभी हो रहा है कि भविष्य में बीमारी हो जाएगी। अच्छा, सब तरह की जांच करने के बाद में भी तभी भी कुछ निकलता नहीं है, और ये जांच करने के बाद में सब रिपोर्ट नहीं लाने के बाद में भी इसको लगता है कि नहीं नहीं रिपोर्ट गलत हो सकते हैं, तो फिर पता नहीं मुझे कुछ तो बीमारी है, रिपोर्ट फिर से चेक करो, और वो फिर से रिपोर्ट चेक करने जाएगा। कभी कभी तो उनको इतनी एंग्जाइटी होती है कि पेशेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में ठीक लगा तो हॉस्पिटल के बाहर जाते हैं, और फिर वो देखते हैं कि भाई नहीं नहीं ठीक नहीं लग रहा था, ऐसा करो हॉस्पिटल जाके भर्ती हो जाओ, तो मैं हॉस्पिटल में रहूंगा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सब तरह की जांच करने के बाद में सब पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स देखा तभी वो मिल रहती है, इंक्लूडिंग कैट स्कैन के मतलब सीटी स्कैन किया है ना, एक्सरेज निकाले, ब्लड टेस्ट किया, तभी उनको लगता है कि भाई नहीं ये टेस्ट तो कोई बराबर नहीं है, कुछ तो भी गड़बड़ है। तभी इसका इलाज क्या है, तो इसका इलाज यह है कि एक तो ग्रुप थेरेपी मतलब ग्रुप में उनको बिठाओ और उनको चर्चा करने दो। जब वो चर्चा करेंगे, एक दूसरे को देखेंगे कि ऐसी कौन सी एंग्जाइटी है, ऐसा कौन सी बीमारी की उसको आने की चिंता लग रही है, तो एक तो सेम टाइप ऑफ पीपल जो है पेशेंट जो उनको साथ में बिठाओ। फिर साइकोथेरेपीज है कि जो साइकोथेरेपीज है उनको रैशनली बोल सकते हैं कि बताइए तुमको ऐसा लगता है कि बीमारी, उसका रैशनल पता क्या है। तो बाद में फिर सम्मोहन उपचार भी है, हिप्नोटिज्म, कि जिसमें हम उनको रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाते हैं और रिलैक्स कैसे होना, ताकि जब जब उसको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा आ जाए तो वो रिलैक्स हो जाएगा। और फिर बहुत ज़्यादा यदि एंग्जाइटी है तो उनको एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, डिप्रेशन साथ में है तो देते हैं, ताकि उनकी एंग्जाइटी कम हो सकती है। ये बीमारी ऐसा इलनेस एंग्जाइटी, यह बीमारी कम से कम 6 महीने से यदि होगी तो हम इसको बीमारी कह सकते हैं। तो मिनिमम 6 महीने से ये प्रॉब्लम है और इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, हम इसको इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर है ऐसा कहते हैं। ये लोग यूजुअली साइकेट्रिस्ट के पास में जाना टालते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं क्या पागल थोड़ी हो गया, तो जाते नहीं है, मगर उनको साइकेट्रिस्ट ही उसका इलाज कर सकते, तो उनको साइकेट्रिस्ट के पास में इलाज करना जरूरी है। साइकोथेरेपी, मेडिकल थेरेपी, ये सब करके वो अच्छे हो सकते हैं। ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।